हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला विशेषांक, काल ध्वनि। आवाजें कभी सुनने में मनमोहक लगती हैं, कभी डरावनी, कभी कर्कश तो कभी मीठी। इंसान अपनी सारी जिंदगी आवाजें सुनता रहता है, और जो आखिरी आवाज उसके कानों में पड़ती है वह होती है मौत की आहट, काल ध्वनि। यह निनाद है ध्रुव, शुद्ध ध्वनि ऊर्जा से बनी हुई एक प्राणी। अब ये अपने शिकार की तरह पहले तेरी सारी हड्डियां तोड़ेगी, और फिर इसकी मदद से मैं तोड़ूंगा पूरा राजनगर। ये मेरा पहला बदला भी होगा, और मेरे हथियार काल ध्वनि की टेस्टिंग भी, और उसके बाद सारी दुनिया ध्वनि राज के आगे घुटने टेकेगी। अफसोस रहेगा तो सिर्फ ये कि घुटने टेकने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। राजनगर की सीमा पर स्थित एक गुप्त लैब में हमारी 2 साल की मेहनत सफल हुई कमांडर नताशा। हम वाइब्रेनियम बनाने में सफल हो गए। वाइब्रेनियम यानी वह बेमिसाल मेटल जो ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग हथियार की तरह कर सकती है। यह ध्वनि ऊर्जा को सोख भी सकती है और उसको घातक बनाकर छोड़ भी सकती है। हमें मालूम था कि तुम हमको निराश नहीं करोगे डॉक्टर चिंग, लेकिन वाइब्रेनियम को सोखने के लिए इतनी तीव्र साउंड एनर्जी मिलेगी कहाँ से? आपके सवाल का जवाब इधर है मैडम, यह साउंड एनर्जी कन्वर्टर है। ये किसी भी पदार्थ यानी मैटर को ठोस ध्वनि तरंगों में बदल सकता है। ग्रेट, और उन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल वाइब्रेनियम नामक हथियार में भरने वाली गोली की तरह किया जा सकता है। यानी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब इंटरनेशनल टेररिस्ट मार्केट में यह खबर भेज दो और नीलामी की तारीख तय कर लो। इसी वक्त लैब के एक दूसरे हिस्से में संचार केंद्र, मैडम ने यह मैसेज भेजा है, इसको तुरंत पूरी लैब में ब्रॉडकास्ट करो, अर्जेंट। कैसेट पर तो मैसेज पहले कभी नहीं आया, क्या है ये मैसेज? अरे तुम तो हमारे आदमी नहीं हो, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत का फरिश्ता पिट। अब ये कैसेट मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद लैब के हर कोने में संगीत लहरी गूंजने लगी। म्यूजिक, मैडम ने तो म्यूजिक चलाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। तुझे क्या तकलीफ है, तुझे म्यूजिक सुनने से मतलब है या कैसेट गिनने से? पूरी लैब में यही नजारा था। संगीत की मधोश तरंगे सभी को तुरंत सुला दे रही थी। ये म्यूजिक किसने बजाया, कौन है ये गुस्ताख? डॉक्टर चिंग। अजीब सा संगीत है, सुनते ही मुझ पर नींद हावी हो रही है, कुछ गड़बड़ है। सभी अपने कान बंद करो तुरंत और पोजीशन ले लो, हम पर हमला होने वाला है। गोलियों की गरज ने संगीत सम्मोहन को हल्का कर दिया। तर 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 तर। अब रोबो गैंग के आदमियों की सुस्ती कुछ हद तक दूर हो गई। घमासान युद्ध छिड़ गया, लेकिन तरोताजा हमलावर सुस्त रोबो गैंग पर हावी हो रहे थे। इस मुकाबले का रुख अगर कोई पलट सकता था तो सिर्फ कमांडर नताशा, आतंकवाद सम्राट ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी, अचूक निशानेबाज और 10वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट धारक। हर बार में हड्डियों को कई टुकड़ों में तोड़ डालने की शक्ति भरी हुई थी। ताक ठाक, हमलावरों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, लेकिन लड़ाई का यह बदला हुआ रुख एक बार फिर पलटने वाला था। मुझे मालूम था मेरे छजुंदर चूहे चूहों से तो लड़ लेंगे, लेकिन बिल्ली से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बिल्ली से निपटने शेर आ गया है। आ गया है ध्वनिराज अपनी सोनिक कैनन के साथ। ध्वनिराज, इसके बारे में तो ध्रुव ने मुझे एक बार बताया था, यह अपने अपराध ध्वनि की मदद से करता है। ये यहाँ पर जरूर वाइब्रेनियम लेने आया होगा, लेकिन इसको हमारे अत्यंत गुप्त प्रोजेक्ट की खबर मिली कैसे? अब इसके पास ना तो जान रहेगी और ना ही रहेगा इसके वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया वंडर मैटर वाइब्रेनियम। शीघ्र ही नताशा चारों तरफ से गिर चुकी थी, ना तो भागने का रास्ता बचा था और ना ही जान बचाने का कोई उपाय। सोनिक कैनन का एक हल्का सा धमाका ही उसकी हड्डियों को चूर चूर कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कौन कौन है जिसने शेर ध्वनिराज के जबड़ों से उसका शिकार छीनने की हिम्मत की है? शेर की नकल करने से अगर कोई शिकार बन जाता, कोई शेर बन जाता, तो हर गीदड़ा शेर बना घूम रहा होता। सुपर कमांडो ध्रुव, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तुम अपराध करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा। इससे बेहतर तो यह है कि यह होगा कि तुम ये दुनिया छोड़ दो ध्रुव। लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे ध्रुव? इस इलाके में बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई थी तुम्हारी लैब के कारण। मैं यही चेक करने आया था और लगता है कि मैं ठीक समय पर आ गया। अब तुम ध्वनिराज के गुंडों से निपटो और मैं ध्वनिराज का बाजा बजाता हूँ। ओके, तुम वैसे ही ध्वनिराज को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूँ,
इसलिए ये भी जानता हूँ कि इससे पार पाना आसान काम नहीं है। यह बुलेट प्रूफ शीशे का डोम है कमांडो, इसको तो हाथी की किक तक नहीं तोड़ सकती। नताशा के लिए बंदूकधारी गुंडों से निपटना तो मामूली काम था, लेकिन सोनिक कैनन ध्रुव को संभलने का मौका नहीं दे रही थी। धनीराज जब तक अपनी सोनिक कैनन के अंदर है तब तक इसका पलड़ा भारी रहेगा, इसको तोप से बाहर निकालना पड़ेगा। और यह काम करने का सबसे आसान रास्ता एक ही है कि इसकी तोप को ही उड़ा दिया जाए, और इस काम को करेगा ये पाइप। इस पाइप से क्या छोड़ेगा ध्रुव, पानी या हवा, या फिर खुद चूहे की तरह पाइप में घुसकर बचने की कोशिश करेगा? इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो धनीराज, तुम तो अपनी तोप में सुरक्षित बैठे हो, फिर तुमको किस बात का डर? तुम अपना वार करो, मार डालो मुझे। धनीराज के वारों की तीव्रता बढ़ती चली गई और मौका मिलते ही ध्रुव ने पाइप के एक सिरे को सोनिक कैनन की नाल के ऊपर चढ़ा दिया। इस बार सोनिक ब्लास्ट पाइप के अंदर से घूमता हुआ पाइप के उस सिरे से उस दूसरे सिरे से बाहर निकला, जिसका रुख पहले से ही सोनिक कैनन की तरफ मुड़ा हुआ था। एक जबरदस्त धमाके के साथ सोनिक कैनन के परखच्चे उड़ गए। अब धनीराज बगैर सवारी के था और सामने खड़ी मुसीबत दुगनी हो गई थी। नताशा ने धनीराज के सभी आदमियों को धूल चटा दी थी। अब क्या ख्याल है धनीराज, तोप की तरह तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ दूं या तुम सरेंडर कर रहे हो? धनीराज एक तोप का मोहताज नहीं है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि धनीराज के पास दूसरी सोनिक कैनन भी मौजूद है। सुपर कमांडो ध्रुव के रहते हैं मैं वाइब्रेनियम यहां से नहीं ले जा सकता, इसका ध्यान मुझे अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। नताशा, ये मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसको मुसीबत में डालना थोड़ा आसान है, और अगर ये मुसीबत में पड़ गई तो ध्रुव का ध्यान मुझ पर से हटकर इस पर चला जाएगा। धनीराज के वार से बचने के लिए नताशा उछली और उसी पल धनीराज का एक और वार उसके शरीर से अटकराया। नताशा का शरीर साउंड एनर्जी कन्वर्टर में जा गिरा। पल भर में ही नताशा का शरीर उस एनर्जी कन्वर्टर में घुल गया। नताशा, ये नहीं हो सकता, नताशा ऐसे मर नहीं सकती, वह अभी जिंदा होगी, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, एनर्जी कन्वर्टर से बाहर खींच लूंगा। नताशा, अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो, मैं तुमको बाहर खींच लूंगा। ध्रुव को जवाब में सन्नाटे के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया। यही मौका है, वाइब्रेनियम मेरे हाथ में है और ध्रुव का ध्यान उस नताशा पर है जो शर्तिया मर चुकी है, अब मुझे यहां से फूट लेना चाहिए। धनीराज, अगर मैंने इंसानी जान न लेने की कसम न खाई होती तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन आज तेरी अपराध की जिंदगी का आखिरी दिन जरूर है। आज के बाद तू अपने दो पैरों पर नहीं चल पाएगा, जमीन पर कीड़ों की तरह घिसट घिसट कर चलेगा, क्योंकि आज मैं तेरे पैरों की हड्डियों के इतने टुकड़े कर दूंगा जिनको दुनिया का कोई भी डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। यह तो गुस्से से पागल हो रहा है, शायद नताशा इसको जरूरत से ज्यादा प्यारी थी, ये तो सचमुच में लंगड़ दी मना देगा। वो तो भला हो मेरे दिमाग का कि इमरजेंसी में भागने के लिए मैं अपना सुपर सोनिक जेट स्कूटर लेता आया था, इस पर बैठने के बाद मुझे ध्रुव तो क्या जेट फाइटर प्लेन भी नहीं पकड़ सकते। अब मैं आजाद हूं और मेरे पास है वाइब्रेनियम की शक्ति, लेकिन मेरा स्कूटर, मेरा जेट स्कूटर डगमगा क्यों रहा है? मैंने तो दूसरी सवारी तक नहीं बिठाई है। ओह सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी स्टारलाइन के सहारे मेरे पीछे लटका हुआ है और अब ये उस स्टारलाइन को टावर में लपेट रहा है, यानी अब मेरा जेट स्कूटर एक झटके के साथ रुकेगा और मैं छटक कर दूर जा गिरूंगा। अब तुझे गिरकर मरने से सिर्फ मैं बचा सकता हूं धनीराज, गिड़गड़ा और मदद मांग मुझसे। नहीं ध्रुव, वैसा नहीं होगा जैसा कि तुम सोच रहे हो, मेरा साउंड कुशन मुझे जमीन से टकराने से बचा लेगा। धनीराज उस खाली गोदाम की तरफ भाग रहा है, अब ये फंस गया है, गोदाम किराए के लिए उपलब्ध है, अंदर तो खूब अंधेरा है, मुझे संभल कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि धनीराज कहीं पर भी छुपा हो सकता है। अरे एकाएक संगीत कैसे बजने लगा? समझा, धनीराज संगीत के जरिए मुझे अपनी स्थिति बता रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है कि आओ मुझे ढूंढ लो। ध्रुव अगर नताशा की लैब में थोड़ा पहले पहुंचा होता तो उसे पता होता कि ये संगीत लहरिया उसके लिए चैलेंज नहीं बल्कि काल ध्वनि है। ओह मुझ पर नींद तेजी से हावी हो रही है, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। ध्रुव को अपनी गर्दन में फंदा गिरने का एहसास तक नहीं हुआ। मेरी संगीत लहरिया तुझे तब तक सुलाए रखेंगी जब तक तू हमेशा के लिए सो नहीं जाता। मर ध्रुव मर। आह, रस्सी कसती जा रही है, नींद के कारण सारी मांसपेशियां शिथिल होती जा रही है, जल्दी ये फंदा मेरी गर्दन पर कस जाएगा, धनीराज जीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, इस संगीत को अपने कानों तक पहुंचने से रोकना होगा, इससे भी ज्यादा शोर पैदा करना होगा।
कड़ धड़ धाम भड़ाम छन। संगीत को ध्वनि उस कण कटु शोर में कुछ पलों के लिए डूबी और ध्रुव को संभलने का मौका मिल गया। कट। अब ध्वनिराज तू बचेगा नहीं, तुम उससे वाइब्रेनियम छीन नहीं पाएगा। उछल कर बच रहा है, अच्छा अब मैं उनको निशाना बनाऊंगा जो उछल कर बच नहीं सकते। इन पेटियों को। बूम। ध्वनिराज भाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पेटियों पर वार करेगा, लेकिन उसने नताशा को मारा है, इसका हिसाब तो उसको देना ही होगा। वह चाहे पाताल में जाकर छिपे या आकाश में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और वह घड़ी ध्वनिराज की आजादी की आखिरी घड़ी होगी। ध्वनिराज ध्रुव से ज्यादा दूर नहीं गया था। आह, वाइब्रेनियम, इसके सामने तो 100 हीरों की चमक भी फीकी है। अब मैं बनाऊंगा अपना वह हथियार जो पूरी दुनिया को थर्रा देगा, काल ध्वनि। और उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना साउंड एनर्जी कन्वर्टर बनाना पड़ेगा जो वाइब्रेनियम को सोखने लायक प्रचंड ध्वनि ऊर्जा दे सके। लेकिन तब तक ध्रुव चुप तो बैठा रहेगा नहीं, साउंड एनर्जी कन्वर्टर बनाने में 2-3 दिन का वक्त तो लगेगा ही। जानता हूं नताशा की मेरे हाथों ही मौत के बाद वह विफरा सांड हो गया है, पागल हो गया है, और खतरनाक पागलों को जिंदा छोड़ना आत्महत्या करने के समान है। मेरे पास ध्रुव को खत्म करने का वक्त नहीं है, पूरी दुनिया शासन करने के लिए मेरा इंतजार कर रही है। ध्रुव को मारने तुम जाओगे, मैं यही सुनना चाहता था। कान तरस गए थे मेरे ये सुनने को, अब ध्रुव नहीं बचेगा। इसी वक्त मैंने तुम्हारा मैसेज मिलते पुलिस फोर्स को भेज दिया था। पुलिस ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया, ना ही ध्वनिराज के आदमियों को और ना ही नताशा की गैंग को। फिलहाल दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में के लॉकअप में बंद है, लेकिन नताशा का कोई पता नहीं चला। हमने अपने विशेषज्ञों से भी साउंड कन्वर्टर की जांच करवाई और नताशा के वैज्ञानिकों से भी, लेकिन उस साउंड एनर्जी कन्वर्टर में किसी भी बायोलॉजिकल चीज के संकेत नहीं मिले। संकेत मिल ही नहीं सकते पापा, उस कन्वर्टर में जाते ही हर चीज ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। नताशा अब सिर्फ एक आवाज है, एक याद। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है भैया। नताशा जिस रास्ते पर दोबारा चल पड़ी थी उसका अंत तो ऐसे होना ही था। यही तो मेरी हार है श्वेता, मैं नताशा को सही रास्ते पर वापस नहीं ला सका, और अब वह एक ऐसे रास्ते पर जा चुकी है जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। चमत्कार होते हैं और होते ही रहेंगे। किंग सर्किल पुलिस स्टेशन में। हमको क्यों पकड़ लगा इंस्पेक्टर, हम तो वैज्ञानिक हैं, कमांडर नताशा के कर्मचारी। अगर कोई गलत काम किया है तो नताशा ने, पकड़ना है तो उसको पकड़ो। उसको हम तो अब पकड़ नहीं सकते। हाँ, अगर वह मरकर भूत भूत बन गई होगी तो किसी तांत्रिक से उसे जरूर पकड़वा लेंगे। इनको छोड़ दो, इन पर तुम ना तो कोई आरोप लगा सकते हो और ना ही उसे साबित कर सकते हो। ये कौन वकील आ गया? ये कैसी लड़की है, इसका शरीर तो चमक रहा है, खतरनाक लग रही है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। इनको अभी कैसे छोड़ सकता हूँ, सुबह से पहले जमानत हो नहीं सकती। जमानत होते ही छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है, वो भी अभी। अरे ये तो लॉकअप की तरफ पड़ रही है, इसे रोको वरना कमिश्नर साहब हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। पुलिस वालों की शारीरिक शक्ति नाकामयाब रही तो मजबूरन उनको बंदूकों का मुंह खोलना पड़ गया। लेकिन उस चमकते शरीर से टकराते ही गोलियां चूर चूर हो गई। मुझ पर गोलियां बर्बाद मत करो, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये ठोस ध्वनि ऊर्जा का बना है शरीर है। मैं इंसान नहीं, एक प्रचंड आवाज हूं, निनाद। ऊर्जा को तुम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा तुमको नष्ट कर सकती है। बेहोश होते होते भी थाना इंचार्ज ने उस अलार्म बटन को दबा दिया जो खतरे के संकेत को सीधा पुलिस हेडक्वार्टर तक भेज देता था। निनाद को किसी खतरे का डर नहीं था। लॉकअप खुला और गैंग के सदस्य एक एक करके बाहर निकलने लगे। निनाद ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उनको सिर्फ एक शख्स से मतलब था, ध्वनिराज कहाँ मिलेगा। ध्वनिराज, मैं क्या जानू कि ध्वनिराज कहाँ मिलेगा, और तुमको ध्वनिराज से क्या मतलब है। तूने ही ध्वनिराज को लैब में बुलाया था, उसे वाइब्रेनियम बन जाने की खबर दी थी। और रही मेरे मतलब की बात, तो अगर तू कुत्ता होता तो मुझे तुरंत पहचान जाता, लेकिन तू गद्दार है, कुत्ते से भी गया गुजरा, इसीलिए अपनी मालकिन को पहचान नहीं पा रहा है। मैडम नताशा, अब मैं निनाद हूं, तेरी गद्दारी की मेहरबानी से। यहाँ आने से पहले मैंने अपने हर आदमी की पर्सनल फाइल चेक की थी, उससे पता चला कि तू प्रोफेसर काले के साथ पहले काम कर चुका है। प्रोफेसर काले यानी ध्वनिराज।
प्रोफेसर काले के बारे में जानने के लिए पढ़ें सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स आवाज की दवाई, जो कि चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, ध्वनिराज काड्डा काली पहाड़ी की चोटी पर है। जा, मैंने तुझे माफ किया। अगर तुझे सजा देनी होती तो तेरी सारी हड्डियां तोड़कर तुझे मौत नहीं देती, सिर्फ तेरी आंखें फोड़कर और हाथ तोड़कर जिंदगी भर तड़पने के लिए जिंदा छोड़ देती। इसी वक्त व्हाट? किंग सर्किल की पुलिस चौकी पर हमला? ओ गॉड, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। क्या हुआ पापा? किंग सर्किल की पुलिस चौकी पर किसी लड़की ने हमला करके कैदियों को छुड़ा लिया। अपने आप को निनाद बता रही थी। शुद्ध ध्वनि ऊर्जा की बनी एक प्राणी। यह जरूर ध्वनिराज का काम होगा। यह निनाद भी उसी की ईजाद होगी। मैं उसको अगर ढूंढ सकूं तो ध्वनिराज तक भी पहुंच सकता हूं। ध्रुव निनाद को ढूंढ रहा था, लेकिन ध्रुव को कोई और ढूंढ रहा था। मार ध्रुव, मार! आह, ये क्या था? वो तो शुक्र है कि मेरी स्टारलाइन ब्रेसलेट में अटकी रह गई, वरना घूमते सिर के साथ जमीन से जा टक रहा था। खैर, इस बार मैं इस दैत्य के लिए तैयार हूं। तू सोनिक बैट से नहीं बच सकता ध्रुव। ओ, इसकी गति तो बहुत तेज है। पता ही नहीं लगा कि ये कब मुझ तक पहुंच गया। इस बार मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। अब मुझे इसकी गति का अंदाजा हो गया है, लेकिन इस बार सोनिक बैट ने अपना वार करने का तरीका बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स काल धोनी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।